हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल द थिंकर थिंग्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको रेलवे एएलपी के आपके एग्ज़ाम 30 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों के बारे में बताया था जो मैं स्टूडेंट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों बिना किसी देरी के देखते हैं 30 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में एएलपी एंड टेक्नीशियन के आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ओडीआई मैच में, क्रिकेट के ओडीआई मैच में, डेब्यू मैच में किस भारतीय खिलाड़ी ने शतक बनाया था। तो दोस्तों किसने बनाया था, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा के एल राहुल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी किस अनुच्छेद में। दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, तो जीएसटी किस अनुच्छेद में, 289। अगर दोस्तों बिल की बात कर रहे हैं तो वो है आपके 122, और किस संविधान संशोधन के तहत आया था वो आ गया 101। ठीक है, इसके अनुसार होगा आंसर आपका, लेकिन जीएसटी किस अनुच्छेद में, तो वो आपका आर्टिकल 289 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री मोदी पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे इससे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, पवन कुमार चामलिंग, जो भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी हैं, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फ्रांस की आखिरी क्वीन किस देश से थी। तो दोस्तों फ्रांस की जो आखिरी रानी थी वो ऑस्ट्रेलिया वियना से थी। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना आपकी 1992 में हुई थी, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि दंगल फिल्म के डायरेक्टर कौन है। तो दोस्तों दंगल फिल्म के आपके डायरेक्टर हैं नीतीश तिवारी, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है 30 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में एएलपी एंड टेक्नीशियन के फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वन इंडियन गर्ल के राइटर कौन है। तो दोस्तों वन इंडियन गर्ल के राइटर हैं आपके चेतन भगत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, यानी राजधानी क्या है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की आपकी कैपिटल है कैनबेरा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किसने रखा। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से वहाँ आंसर होगा आपका, पांडवों ने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मराठावाड़ा व विदर्भ किस राज्य में आता है। तो दोस्तों मराठावाड़ा और विदर्भ महाराष्ट्र राज्य में आता है। ठीक है, इसका उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरजकुंड मेला किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों जो सूरजकुंड मेला है वो आपका झारखंड राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पैलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों जो पैलियंटोलॉजी होता है वो फॉसिल्स का अध्ययन करने के लिए होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी जीवाश्म का अध्ययन के लिए होता है पैलियंटोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर यदि जल से क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर जब जल से क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है। दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंस और दर्पण पर एक आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल पूछा गया है, 1/f = 1/v - 1/u पर आपका एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, एक्सीलरेशन की आपकी यूनिट पूछी गई है। दोस्तों एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आवर सारणी पढ़ाई थी पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पर बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो तीन वर्ग 3 से 12 में रखे जाते हैं जो, तो उन्हीं को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व में, डी ब्लॉक के तत्व में, और कहाँ से कहाँ तक रखे जाते हैं, 3 से 12 में ग्रुप में रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की आपकी थर्ड शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको रोजाना जीके से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।